भागलपुर के एसएम कॉलेज में गुरुवार को परीक्षा फॉर्म भरने के दौरान काउंटर पर उमड़ी भीड़ के बाद फीस बढ़ोतरी की बात सुनकर छात्राओं द्वारा जमकर हंगामा किया गया। इस दौरान छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के विरोध में नारेबाजी करते हुए कॉलेज कैंपस में आने वाली सभी गाड़ियों को रोकना शुरू कर दिया, जिसकी सूचना मिलते ही चौकसर पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित छात्राओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्राएं पुलिस की बात मानने को तैयार नहीं थी और कॉलेज परिसर में लगभग 2.5 घंटे तक जमकर हंगामा किया। इसके अलावा हंगामा कर रही छात्राओं ने भागलपुर समाहरणालय मुख्य द्वार के समक्ष भी अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। छात्राओं ने फॉर्म भरने के दौरान कक्षा में 75% की उपस्थिति नहीं होने वाली छात्राओं को फॉर्म भरने की छूट देने के साथ कॉलेज प्रशासन द्वारा फीस में बढ़ोतरी को कम करने की मांग की। इस दौरान ASDM ने हंगामा कर रही छात्राओं की बात सुनने के बाद सभी को समझा बुझा कर शांत कराया और वापिस भेज दिया। इधर प्रदर्शन कर रही छात्राओं का कहना है कि वो सभी पार्ट 1 की छात्राएं हैं और कॉलेज में पार्ट 1 परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की आज अंतिम तिथि है, लेकिन कॉलेज प्रशासन के द्वारा 75% की उपस्थिति नहीं होने पर परीक्षा फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा है, जबकि फॉर्म भरने की फीस में बढ़ोतरी कर अधिक राशि लिया जा रहा है। लगा रहे थे क्योंकि ऑफिस के पास हम लोग बोल रहे थे कि हम लोग का पेमेंट नहीं कट रहा था, जबकि सर बोले हम लोग को कि 600-650 में हम लोग का पेमेंट कट जाएगा, एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन हम लोग का 1400 रुपया ले रहे हैं उस चीज के लिए, तो हम लोग देने के लिए समर्थन नहीं है। 1400 रुपया हम लोग कहाँ से देंगे? इसी बात को लेकर के हम लोग बोलने लगे तो हम लोग को एक पुलिस इंस्पेक्टर हम लोग को गाली दिए, मां लगा करके हम लोग को गाली दिए। हुआ है कि सरकार का अब राजभवन का आदेश आया है कि 75% पर ही हम लोग को सेंटर करना है। यहाँ की लड़कियाँ लोग करीब 10% मात्र 75% पूरी की है और बाकी सारे लोग आज पहला दिन क्लास आई है, कॉलेज आई है फॉर्म भरने के लिए, और उसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि ठीक है अंडरटेकिंग लेकर हम लोग फॉर्म भरेंगे, स्पेशल क्लास करना पड़ेगा, उसके बावजूद लड़कियाँ लोग बोल रही है कि हम लोग क्लास नहीं करेंगे। वैसी फीस हम लोग ले रहे हैं, बस 1250 रुपया है, 600 रुपया आर्ट्स का और 650 रुपया इसका लैब का, जो कि प्रैक्टिकल वाला जो विषय है, प्रैक्टिकल के विषय में 600 रुपया अलग से गवर्नमेंट का ही चिट्ठी आया यूनिवर्सिटी से। छात्राओं का आरोप यह भी है कि 200 रुपया अधिक के लिए हम लोग नहीं ले रहे हैं, कैफे में ले वहाँ कैफे से भरा जा रहा है, ऑनलाइन फॉर्म भर रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर इकाई की ओर से गुरुवार को तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर में अपनी मांगों को लेकर अमरन अनशन शुरू किया गया। इससे पूर्व विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय परिसर स्थित शहीद तिलकामांझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और छात्र विरोधी नीति के खिलाफ अमरन अनशन किया। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग सहसंयोजक कृणाल पांडे, जिला संयोजक रोहित कुमार राज, SFS प्रांत सह संयोजक अनुज चौरसिया, सूर्य प्रताप, संजीव कुमार एवं अनुभव कुमार ने सामूहिक रूप से अनशन करने की घोषणा की। वहीं इसको लेकर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। साथ ही कहा कि पूर्व में कई बार विद्यार्थी परिषद द्वारा कुलपति को ज्ञापन और आंदोलन के माध्यम से छात्र हित में 5 प्रमुख मांगों को रखा गया था, लेकिन विश्वविद्यालय की छात्र विरोधी नीति के कारण इस दिशा में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। कुणाल पांडे ने विश्वविद्यालय प्रशासन से वर्ष 2016 से सभी वर्गों की छात्रा और SC/ST छात्र के लिए नामांकन शुल्क को अविलंब सभी छात्रों को वापस करने, विभिन्न महाविद्यालय में बनकर तैयार महिला छात्रावास को अविलंब चालू करने, सभी कॉलेजों में वोकेशनल कोर्स के लिए अलग भवन बनवाने, PG विभाग के सभी भवन के पुनर्निर्माण के साथ विभिन्न महाविद्यालय और PG विभाग में शुद्ध पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था करने की मांग तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन से की। इसके अलावा अनशन पर बैठे परिषद कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी छात्रावास में रह रहे अवैध छात्रों को अविलंब निष्कासित कर नए छात्रों का नामांकन सुनिश्चित करने की मांग की। मौके पर रोजी कुमारी, सौरभ शर्मा, गौरव चौरसिया, अनामिका समेत काफी संख्या में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मौजूद रहे। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय सभागार में आपदा मित्र की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता अंचलाधिकारी सुजीत कुमार ने की। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी रघुनंदन आनंद और CEO का स्वागत आपदा मित्रों ने पुष्पगुच्छ देकर किया। वहीं इसके बाद सराहनीय कार्य के लिए आपदा मित्र अमित यादव, सुशील यादव, मोहम्मद मुस्तकीम और संजीव कुमार समेत कई आपदा मित्रों को CEO और BDO के द्वारा सम्मानित किया गया। बता दें कि पिछले दिनों अलग अलग घटना में खलखलिया नदी और कोकर नदी में डूबने वाले लापता युवकों को आपदा मित्रों ने खोज निकाला था।
जिसकी नदी में डूबने से मौत हो गई थी। इसी को लेकर दोनों पदाधिकारियों ने आपदा मित्रों के उत्साहवर्धन के लिए इन सभी को सम्मानित किया। अंचल अधिकारी सुजीत कुमार ने कहा कि इस तरह के सराहनीय कार्य करने वाले आपदा मित्रों की सूची राज्य सरकार को भेजी जाएंगी, जिससे सरकार द्वारा चयन कर इन्हें सम्मानित किया जा सके। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी रघुनंदन आनंद ने आपदा मित्रों के लिए सभागार कक्ष उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया। भागलपुर के सुल्तानगंज सब्जी मंडी बाजार स्थित शिव दुर्गा पंडाली मंदिर प्रांगण में दुर्गा पूजा की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता नगर सभापति सह शिव दुर्गा पंडाली समिति के अध्यक्ष राजकुमार गुड्डू ने की। इस दौरान पूजा को लेकर बेहतर इंतजाम करने के लिए विचार विमर्श किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पंडाल निर्माण और महाआरती के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि इस बार यहां के पंडाल को केदारनाथ का स्वरूप दिया जा रहा है, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। मौके पर वार्ड पार्षद नवीन कुमार बन्नी, सियाराम साह, सुभाष पोद्दार, मुकेश कुमार समेत समिति के कई सदस्य और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। पंडाली दुर्गा स्थान समिति के द्वारा आयोजित बैठक में माननीय पार्षदों के साथ उपस्थित हुए और साथ में समिति के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने युवा साथी, हमारे आदरणीय अभिभावक जो पंडाली दुर्गा स्थान के पितामह हैं, उनके साथ बैठक हुई और यहाँ की व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। और मैं एक बात बता दूं कि इस बार सशक्त स्थायी समिति की जो बैठक हुई थी, तो कार्यपालक पदाधिकारी जी के निर्देश में दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पूजा के अवसर पर साफ सफाई की तैयारी, प्रकाश की तैयारी की हम लोगों ने सशक्त स्थायी समिति में निर्णय लिया है, जिसके तहत दुर्गा पूजा में विशेष रूप से सभी पूजा परिसर पंडाल में मार्ग की साफ सफाई के साथ साथ प्रकाश व्यवस्था आवश्यकता अनुसार करने की स्वीकृति दी गई है। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। मेरा नाम अजय कुमार है, गोड्डा जिला मेरा घर है। डायबिटीज से पूरा परेशान रहते थे हम, अंग्रेजी दवाई खाते थे, जब खाते थे तो कम होता था, फिर बढ़ जाता था। तो एक दिन हम यूट्यूब में सर्च करते करते देखते हैं तो एक के रॉय भागलपुर डॉक्टर साहब दिखाए, उसमें यहाँ देखे शुगर जड़ से ख़त्म हो जाता है, वो भी आयुर्वेदिक दवाई से। उसके बाद हम आए, ट्रीटमेंट कराए, एक सप्ताह कराए, उसके बाद घट गया शुगर। उसके बाद लास्ट में खाना, दवाई 3 महीना खाने के बाद सब छोड़ दिए, दवाई वगैरह खाने छोड़ दिए। उसके बाद चावल, रोटी, सलाद ये सब खा के चेक कराने के बाद 141 मेरा आया और आज ठीक हो गया। इसीलिए सबको कहना है कि जिनको भी डायबिटीज पेशेंट है वो आके यहाँ दिखाइए, कन्फर्म एकदम ठीक हो जाइएगा। 21 दिन से मेरा दवा बंद है और फिर भी जांच कराएं, सलाद, रोटी, चावल, और उसके बाद फिर से हम जांच कराएं तो 141 रिपोर्ट आया। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के निर्देश पर सुल्तानगंज के राजद अध्यक्ष अफरोज आलम की अध्यक्षता में नगर के सभी राजद कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान नगर परिषद क्षेत्र के 35 से 80 बूथों पर एक बूथ कमेटी बनाए जाने और प्रत्येक बूथ पर 15 सदस्यों का चयन किए जाने का निर्णय लिया गया। बताया जा रहा है कि बूथ कमेटी में 3 महिला, 2 युवा और 2 BLO बनाने का फैसला लेकर युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ करने की बात कही गई है। मौके पर राजद कार्यकर्ता राजपति यादव, अजीत कुमार, वार्ड पार्षद विभूति यादव, चंद्रशेखर साह सहित काफ़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता मौजूद। हम लोग सभी मिलकर के बूथ को मजबूत करने के लिए एकत्रित हुए हैं और इसके लिए मजबूती प्रदान मिलकर के करेंगे। भागलपुर के सुल्तानगंज खादी भंडार प्रांगण में राजद के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने मोहम्मद मेराज को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष मनोनीत करने पर अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं दी।
दरअसल प्रदेश अल्पसंख्यक अध्यक्ष डॉक्टर अनवर आलम के द्वारा मोहम्मद मेराज आरम को भागलपुर अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया, जिसको लेकर पार्टी के अलग अलग प्रकोष्ठ के नेताओं और राजद कार्यकर्ताओं ने मोहम्मद मेराज को बधाई देते हुए संगठन को मजबूती प्रदान करने की बात कही। साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव में INDIA गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करने की बात राजद नेताओं ने कही।